महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न हुई। एजेंडे के अनुसार 3 बिंदु रखे गए थे। कार्यकारिणी समिति के 1 वर्ष कार्यकाल समाप्त होने के कारण नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 51 की उप धारा 4, 5 व 6 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत कार्यकारिणी समिति के 12 सदस्यों में से 6 सदस्यों को लॉटरी पद्धति से सेवानिवृत्त किए जाने संबंध में कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार सर्वसम्मति से बृजेश तिवारी आशु लिपिक को 12 सदस्यों की डब्बे में डाली गई पर्ची में से बारी बारी के 6 पर्ची निकालने का निर्देश दिया गया, जिसमें निम्न कार्यकारिणी सदस्य का नाम निकाली गई पर्ची में निकला जो कार्यकारिणी समिति की सदस्य से सेवानिवृत्त किए गए हैं। देवेंद्र कुमार गौड़, पिंटू गौड़, अशोक यादव, ऋषि मोहन वर्मा, रीता देवी, विश्वजीत त्रिपाठी, जितेंद्र कुमार सैनी को सेवानिवृत्त कार्यकारिणी सदस्यों के कार्यकारिणी समिति से बाहर हुए, जबकि संजय श्रीवास्तव, संजय यादव, शाहब अंसारी, राधेश्याम रावत, विजय सिंह, छोटू चंद्रशेखर सिंह कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शेष हैं। बैठक में अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा के नेतृत्व में लॉटरी निकाली गई। महापौर ने कहा कि जो भी सदस्य सेवानिवृत्त हुए हैं उनका सम्मान व उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यकारिणी समिति न रहने में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूर्व की तरह उन्हें सम्मान मिलेगा। साथ ही ये भी कहा कि सभी पार्षदों का सम्मान रखते हुए बिना भेदभाव के नियमानुसार सभी जनहित में कार्यवाही की जाएगी। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक को सकुशल संपन्न कराने हेतु सभी को शुभकामना। बैठक में 11 कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे, जबकि रीता देवी अनुपस्थित रहीं। बैठक में उप नगर आयुक्त अरविंद कुमार, सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला, सहायक लेखाधिकारी राजीव कुशवाहा, शशिकला, वी सिंह पटेल सहित निगम के अन्य सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, श्री देवेंद्र कुमार गौड़ की निकली लाई ली आज ना यहाँ श्री अशोक यादव जी, ऋषि मोहन वर्मा जी, श्रीमती रीता देवी, श्री विश्वजीत त्रिपाठी, मेरा निकल गया। अरे वाह, अरे समझौता करके 3-3 भाग लीजिए, खत्म हो जाए। हाँ, चुनाव चल रहा है ना, कार्यकारिणी का चुनाव होता है। अरे हम संगठन की चर्चा की आश्वासन, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस प्रक्रिया को निभाया है, इसके लिए आने वाले 9 वर्ष पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे सभी कार्यकारिणी पार्षद उपस्थित थे और नियमानुसार हमारे अपर आयुक्त साहब ने लॉटरी के द्वारा जो कार्यक्रम कराया है उसमें नियमतः जो सरकार की नियमावली है उसके अंतर्गत 6 पार्षद लॉटरी द्वारा कार्यकारिणी से बाहर आए हैं, जिसमें
देवेंद्र गौड़, अशोक यादव जी, ऋषि मोहन वर्मा जी, रीता देवी, विश्वजीत त्रिपाठी जी और जितेंद्र सैनी जो उपसभापति हैं, ये 6 लोग लाठी द्वारा इनके नाम की पर्ची निकली है और ये कार्यकारिणी से मुक्त हुए हैं और अगले बोर्ड की बैठक में नए 6 सदस्यों का चुनाव पानी नहीं आ रहा आम सहमति से कराने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। और बहुत ही सुखद अनुभव रहा कि सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया और शांतिपूर्ण तरीके से वैधानिक तरीके से ये कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं सभी पार्षदों को, उपस्थित सभी अधिकारियों को मैं अपने तरफ से बधाई देता हूँ। और जो हमारे पार्षद लाठी द्वारा बाहर गए हैं उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी उनके काम होंगे, चाहे वर्तमान हो चाहे भूत हो, सबके बिना पक्षपात के सबके वार्डों में काम कराया जाएगा। धन्यवाद।